सर जैसा माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, इतनी बढ़िया और इतना मज़ा किया हम लोगों ने, इतना कपिल को आप लोगों ने डांस करते नहीं देखा ना, इतना मैंने भी अपने लाइफ में नहीं देखा था, इतने साल हम लोगों ने साथ में काम किया। कपिल यार बहुत अच्छा डांसर है और क्या डांस किया है कपिल ने अपनी शादी पे, और इतना मज़ा आया, इतनी प्यारी फैमिली है। मैं आपको सच बताऊं, हम बॉम्बे वाले, मैं फर्स्ट टाइम उनके उस घर पे गया हूं उस तरफ, क्योंकि मैं सुदेश जी के यहाँ जाता था जब अमृतसर जाता था। कपिल की मम्मी ने, उनकी सिस्टर्स ने और उनके ब्रदर ने इतना प्यार दिया है हम लोगों को, मुझको, भारती को, हम मेरी फैमिली गई थी, मेरी सिस्टर गई थी और जितने लोग बॉम्बे से आए थे, इतना ख्याल रखा है उन्होंने, इट वॉज़ वंडरफुल। मैं एक्चुअली 3 दिन के लिए गया था, कपिल ने कहा 10th को आओ, तो 10th को जगराता था, जो पिक्चर मैंने डाली थी सोशल मीडिया पे, वो बहुत इधर उधर गई थी। 10th को जगराता था, 11th को फिर कोई संगीत था, फिर एक दिन गज़ल नाइट थी। मैं सारे फंक्शंस के लिए रुका, मेरा मन था कि मैं 2 दिन, मैंने सोचा 2 दिन रुक के आ जाऊँगा, बट इतना प्यार दिया पूरे परिवार ने और इतना मज़ा आया कपिल के साथ कि हम पूरे चार पाँच दिन रुक कर आए और इतना खिलाया सब ने। अभी थोड़ी डाइटिंग कर रहे हैं, शो ऑन एयर हो रहा है, माइंड ब्लोइंग। हम लोग तो बहुत एग्जाम लोग है पूरा, मैं अगर ज़्यादा बड़ी बात ना बोलूँ तो पूरा हिंदुस्तान इंतज़ार कर रहा है कि कब ये शो आएगा, फिर से हंसने का मौका मिलेगा। और अभी कोई कॉमेडी शो है भी नहीं ऑन एयर, तो ये जो कॉम्बिनेशन का मज़ा, कपिल, मैं, भारती, कीकू, तो ये कॉम्बिनेशन जो कॉमेडी सर्कस का था पुराना, वो साथ में आ रहा है। इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन। हमारा एपिसोड आने वाला है रणवीर के साथ, रणवीर सिंह और रोहित सर के साथ में, और हमने कुछ आज अभी एपिसोड शूट किए हैं, ज़्यादा मैं खुलासा नहीं करूँगा। भाई के साथ तो किया ही है, भाई प्रोड्यूसर है हमारे शो के, तो सलमान भाई के साथ भी बहुत मज़ा आया, देखेंगे आप। मैं बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इट्स गोना बी अ फन फील्ड ब्रिलियंट शो, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और मैं और कपिल के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप मुझे हमेशा पूछते थे उसके बारे में, हम शो राइवल्स भले थे लेकिन मैंने बहुत सालों के बाद कपिल को लाइव देखा बैठ के, वो जो क्वालिटी है कपिल के अंदर वो ऐसे ही नंबर वन पोजीशन पर नहीं है, उसके अंदर वाकई वो क्वालिटी है, वो जो परफॉर्म करता है और वो जो बैठ के इंटरव्यूइंग करता है, परफॉर्म करता है, आई थिंक इट्स वंडरफुल। मुझे बहुत मज़ा आया और आई लर्न, मैं सीखता भी हूँ, कपिल ने मुझे सिखाया भी कि ऐसे कर वैसे कर, हमने कैरेक्टर पे भी वर्क किया है, बहुत चीज़ों पे हम वर्क कर रहे हैं।